बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों की। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 बेसिक फंक्शन हुआ करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। कौन कौन से? कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। छो के छो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले होते हैं। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स देता है हमें, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स देता है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स देता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स देता है, है? सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन एक्स देता है और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स देता है। इतना फॉर्मूला तो आपने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा ही है। जैसा कि हमने अभी बात किया था, इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंसिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। मतलब इधर से इधर जाने के प्रोसेस को अगर हमने डिफ्रेंसिएशन कहा तो इधर से इधर आने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे। कॉस एक्स को डिफ्रेंसिएट करने पर क्या मिला? माइनस का साइन एक्स। अर्थात माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स मिलेगा। आप इस माइनस साइन को जरा इधर शिफ्ट कर दीजिए। इस माइनस को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो यहां पर केवल साइन एक्स बचेगा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करने पर माइनस कॉस एक्स मिलता है। ऐसे ही कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता है? साइन एक्स मिलता है। चूंकि इंटीग्रेशन अपने आप में डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो फॉर्मूलों में भी ये रिवर्स होता है। कॉस एक्स को डिफ्रेंसिएट करने से माइनस साइन एक्स मिलता है, तो माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स मिलेगा। इस माइनस को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या देगा हमें? कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या देगा? साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेगा? टेन एक्स। माइनस यहाँ है ना, माइनस को आप पहले ही इधर शिफ्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या बच गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स बचा। तो सोचिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर आपने इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिलेगा? माइनस कॉट एक्स मिलेगा। यहाँ देखिए, सेक एक्स टेन एक्स को अगर आपने इंटीग्रेट किया तो सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या मिल जाएगा? सेक एक्स मिलेगा। यहाँ माइनस साइन है ना, माइनस को पहले ही आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तब आपके पास क्या दिखेगा? यहाँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दिखा। अर्थात कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको माइनस कॉसेक एक्स मिलेगा। हमने डिफ्रेंसिएशन में 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूलों को देखा था। चूंकि इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है तो इन छों के छों का जो यहाँ पर फॉर्मूला है, इधर इन सब को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। इसी चीज़ को फॉर्मूलों के फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं, साइन एक्स को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलता है? माइनस कॉस एक्स, और ये प्लस का सी वैसे ही रहेगा। कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा हमें? साइन एक्स मिलेगा। सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? टेन एक्स मिलता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पर हमें माइनस कॉट एक्स मिलता है। सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करने पर हमें सेक एक्स मिलता है, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स को इंटीग्रेट करने पर
माइनस कॉसेक एक्स मिलता है। इन फॉर्मूलों को बहुत ही ध्यान से समझना है, ये बिल्कुल भी नए फॉर्मूले नहीं, आपने इनको पढ़ा है, जस्ट उसको अब उल्टा करके पढ़ना है। अब इसके अलावा आप एक चीज़ का ध्यान और रखिए, हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इन सभी फॉर्मूलों में आपको जहाँ जहाँ पर एक्स दिखे, जहाँ जहाँ पर एक्स दिखे उस एक्स को आप किसी भी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी लीनियर फंक्शन से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, किसे, एक्स को। ध्यान रखिएगा केवल एक्स को ही आप किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन कुछ नहीं होता है, जैसे हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, 11th क्लास में भी, 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन हो या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, वहाँ पर लीनियर वर्ड आता था ना, लीनियर का मतलब होता था कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो एक्स को हम किसी भी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा सिवाय एक छोटे से चेंज के। कहने का मतलब ये कि x की जगह पर अगर हमने ax प्लस बी लिया, x की जगह पर हमने ax प्लस बी लिया, तो जहां जहां x है वहां वहां ax प्लस बी आएगा। लेकिन ध्यान से यहां समझिएगा, डिफ्रेंसिएशन में जब हम चेन रूल लगाते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। एक्स की जगह पर जो भी रहेगा उसे, उसका डिफ्रेंसिएशन हम डिवाइड करेंगे। एक्स की जगह पर जो भी टर्म रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। अब सोचिए d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस बी है, ax प्लस बी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d अपॉन डी एक्स इसके साथ भी लगेगा और ये d अपॉन डी एक्स इसके साथ भी लगेगा। b का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो गया, ax में a बाहर निकल कर x बचेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, कुल मिला जुला कर यहां बचा क्या, a बचा। x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बात केवल इस फॉर्मूले के एक्स की नहीं है, मैं बात कर रहा हूं कि हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे उन सभी फॉर्मूलों में आप एक्स को किसी भी लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन का मतलब एक्स प्लस बी या पी एक्स प्लस क्यू, इस टाइप का जो भी रहेगा उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। इससे कोई फर्क फॉर्मूले पर नहीं पड़ेगा सिवाय एक फर्क के कि x की जगह पर जो भी यूज हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन नीचे डिवाइड होता है। हमने पढ़ा था 1 अपॉन x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था log mod x। अब सोचिए x को अगर मैं लीनियर फंक्शन px plus q से रिप्लेस कर दूं तो भी फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। हाँ, बस एक छोटा सा चेंज होगा, x की जगह पर यहां पर क्या दिख रहा है आपको, पी एक्स प्लस क्यू पूरा का पूरा किसकी जगह पर आया था, एक्स की जगह पर आया था, तो इस पी एक्स प्लस क्यू का डिफ्रेंसिएशन नीचे डिवाइड होगा। और इसको जब आप डिफ्रेंसिएट करेंगे आपको नीचे में क्या मिलेगा, सिर्फ पी मिलेगा। मैंने सभी फॉर्मूलों के एक्स की जगह पर लीनियर फंक्शंस लिए हैं, जहां पर ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये ब्लू रंग में जो लिखा गया है ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, इस ओरिजिनल फॉर्मूले में एक्स की जगह पर मैं कुछ और ले रहा हूं, उस कुछ और को मैं लीनियर फंक्शन के फॉर्म में ले रहा हूं। तो एक्स की जगह पर जो कुछ भी आपको दिखे उसका डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर में डिवाइड करना मत भूलिएगा। ये कब किया जाता है, जब ओरिजिनल फॉर्मूले के एक्स की जगह पर कुछ भी और रहे, ये केवल एक फॉर्मूले के लिए नहीं है,
जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन हर फॉर्मूलों में x की जगह पर मैं अगर कोई लीनियर फंक्शन लूं, तो बाकी जहां पर भी x है उस x की जगह पर तो वो लीनियर फंक्शन एज इट इज आएगा ही आएगा। डिनोमिनेटर में उसका डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड किया जाता है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो केवल यहाँ से p आएगा, p इन टू लॉग ए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों में भी वही हाल है। मैंने बात किया, मैंने आपको कहा कि x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी लीनियर फंक्शन से। तो साइन x dx में x की जगह पर मैंने ax प्लस b लिया। ये ax प्लस b किसकी जगह पर है? x की जगह पर। तो यहाँ पर माइनस cos x आया था, तो अब हमारा आ रहा है माइनस cos ax प्लस b, क्योंकि x की जगह पर हमने ax प्लस b लिया था। और ओरिजिनल फॉर्मूले में x की जगह पर कुछ और अगर आ गया तो इस कुछ और का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना मत भूलिएगा। चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला देख लें, हर एक फॉर्मूले में मैंने x को लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करके आपको दिखाया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ कि ओरिजिनल फार्मूला ये ब्लू वाला है, इस ओरिजिनल फार्मूले में एक्स की जगह पर आप कुछ भी अलग लेते हैं तो उस कुछ अलग वाले का नीचे में डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड लगाना ना भूलें। ये हमारा सभी फार्मूलों में है। बस ध्यान रखिए सेक स्क्वायर एक्स है। मैंने बात क्या किया था कि हम एक्स को रिप्लेस करने वाले हैं किससे? लीनियर फंक्शन से। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो जहां जहां x आएगा वहां वहां तो वो लीनियर फंक्शन आएगा ही आएगा, साथ में x की जगह पर जो भी आया है उसका नीचे में डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड लगाना ना भूलें। बात अगर हम करें sec x इंटू टेन एक्स dx का, तो x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? लीनियर फंक्शन से। इस x की जगह पर जो यहाँ लिखेंगे इस x की जगह पर भी वही लिखा जाएगा, इस x की जगह पर भी वही लिखा जाएगा। और चूंकि x की जगह पर हमने कुछ और लिखा था, उस कुछ और का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड लगाना ना भूलें। और ये फॉर्मूले के हर एक x पर ये चीज अप्लाई होगी। आप इंटीग्रेशन में जितने भी फॉर्मूले पढ़ लें उन सभी फॉर्मूलों में आप x को लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ, एक छोटा सा चेंज हो जाएगा कि x की जगह पर जिस लीनियर फंक्शन को हमने यूज किया है उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे डिवाइड करना ना भूलें।